खबर कोरबा से है, जहां पर अटल आवास के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की पानी की टंकी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। टंकी का एक हिस्सा टूटकर टंकी के ऊपर ही लटक रहा है, जिसके चलते उसके अभी भी गिरने की आशंका बनी है। वहीं टंकी में दरार आने से पानी भी गिर रहा है। अधिकारियों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि ऐसे मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन से ऐसा हो रहा है, नीचे लटक रही है, तो इसको देखना है क्या होता है। और जो भी टंकी जायजा हो रहा है, उनको अपना जो निर्माण वो है इंजीनियर हल्को साहब, उसको देख भेज करके निरीक्षण करते हैं, ऐसा अधिकारी कहना है। मैंने बोला कि सर हम लोग निगम में बोलते हैं, निगम वाले बोलते हैं कि हाउसिंग बोर्ड पर जो है करवाएंगे, हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं निगम कराएगा, बीच में हम लोग कराते हैं। नोएडा में महिला एवं बाल